सुनिए, मुझे ना 5,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि ना मुझे घर पे देने हैं। पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है और घर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो इसलिए आप मुझे 5,000 रुपए दे देंगे? देखो, मैंने तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं ले रखा। तुम्हारा खर्चा उठाऊं, तुम्हारे घर वालों का खर्चा उठाऊं, इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। और वैसे भी दहेज में जितने पैसे मिले थे ना, उन सबका ये फर्नीचर वगैरह आ चुका है। कुछ ज्यादा भी नहीं दिया था तुम लोगों ने। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके खाना पैक करो, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। ये लो आपका टिफिन। यार तेरे पास 5,000 रुपए होंगे, मेरे को ना जरूरत है, मैं तेरे को 5-6 दिन में लौटा दूंगी। यार कहीं से एडजस्ट कर ले। चल ठीक है, शिवानी यार आपके पास 5,000 रुपए होंगे, मेरे को जरूरत है, मैं आपको 4-5 दिन में लुटा दूंगी। शाम तक कराती हूँ पैसे। ठीक है। हाँ भाई, क्या कह रहा था? अरे यार, मैं सोच रहा हूँ कि नई गाड़ी ले लूँ। इसमें ना हो नहीं पाता, 5 जने बैठ पाते हैं। अब पूरी फैमिली जाती है तो इसमें भिज के जाते हैं। यार अभी तो तूने गाड़ी ली थी। हाँ ली तो थी, पर अब क्या करें, ये घर पे खड़ी रहेगी, वो मैं चला लिया करूँगा। अच्छा, तो कौन सी लेने की सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ फॉर्चुनर ले लूँ। फॉर्चुनर? फॉर्चुनर तो भाई बेस्ट रहेगी फैमिली के लिए। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। कहाँ गई थी? मैं क्या, ये पीछे क्या छुपा रही है? पैसे? ये पैसे कहाँ से लेके आई? ये मैं अपने पापा के लिए इलाज के लिए पैसे लेकर आई हूँ। किससे मिलकर आ रही है तू? जरूर कुछ कांड किया होगा। अच्छा, तो वो तुम्हारा आशिक था? कुछ भी बोलने से पहले ना सोचा करिए, मेरे पापा ना बहुत बीमार है, इसलिए मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए गई थी। आपको मैंने बोला, आपने तो मदद करने के लिए मना ही कर दिया था ना। ऊपर से आपको मेरी बात समझनी चाहिए, आपने मुझे इतना सुना दिया। आपको पता है मेरे पापा के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, पर आपने तब भी मेरे को पैसे नहीं दिए। कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कोई नहीं है मेरा। और तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी आशिक के साथ सोने नहीं गई थी? ये पैसे ना मैंने अपने पापा के हार बेच के लेकर आई हूँ, इधर दो ये पैसे। और क्या आप ताना मारते रहते हो, मेरे पापा ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया,
ये तो पता चल गया, गरीब लड़कियों की ना इज्जत नहीं होती। अगर उनके माँ बाप कुछ कमाते नहीं है ना, तो उनकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती किसी के घर में जाने से। वो बस उनको ताना ही देते रहते हैं। और हाँ, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत से ज्यादा ही आपको बहुत कुछ दे दिया है, पर आपने तभी उस चीज की कदर नहीं करी। और ये पैसे ना मेरे पापा के हैं, आपके नहीं है। और आज मैं अगर जॉब कर रही होती ना, तो मेरे को आपके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने जॉब इसलिए नहीं करी कहीं आपको बुरा ना लगे। मैं आपके बारे में इतना कुछ सोचती हूँ, पर आप मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोचते। पर मेरे को क्या करना, मेरे को तो अपने पापा का इलाज करवाना है ना। जा रही हूँ मैं। सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। चलो तुम्हारे पापा के पास चलते हैं।